नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मोकामा में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी जीत चुकी हैं और वहां लड्डू बांटे जा रहे हैं, रंग गुलाल उड़ाए जा रहे हैं। उनके समर्थकों के द्वारा लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि जीत की जश्न है उसको कितना बड़ा बनाया जाए। लेकिन वही गोपालगंज से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। गोपालगंज में कांटे की टक्कर। गोपालगंज में राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। 20वें राउंड में राजद के प्रत्याशी 1135 वोट से बढ़त बना चुके हैं। गोपालगंज में कड़ी टक्कर है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो पहले आगे चल रहे थे, लेकिन अब वास्तविक परिस्थिति गोपालगंज में बदल गई है। गोपालगंज में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को एक बड़ा झटका लग सकता था, लेकिन अब जब परिस्थितियां निकलकर सामने आ रही है तो गोपालगंज में भी कमोबेश राष्ट्रीय जनता दल बढ़त बनाई हुई है। 20वें राउंड की काउंटिंग खत्म हो चुकी है मिली जानकारी के मुताबिक, और जब ये खबर देख रहे होंगे तब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि कौन जीतेगा। लेकिन राजद आगे है। गोपालगंज में तेजस्वी यादव का जादू चला है। तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता थे उनकी पत्नी को हरा दिया है, और ये कयास लगाए जा रहे हैं ये जो अंतर है 1135 वोटों का, ये वोटों का अंतर हार में तब्दील होगा। इसलिए कि तेजस्वी यादव लगातार प्रयास कर रहे थे तो गोपालगंज में तेजस्वी यादव का जादू चला है, और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने गोपालगंज को अपने बलबूते, मोकामा में अनंत सिंह का फैक्टर था लेकिन गोपालगंज में तेजस्वी यादव अपने बलबूते अपने पार्टी को मजबूत कर रहे थे, अपने पार्टी के नेता के समर्थन में खड़े थे, और कहीं ना कहीं यही वो वजह है कि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि गोपालगंज की जो वास्तविक परिस्थिति है वो बदली बदली सी है। गोपालगंज में तेजस्वी का जादू चल गया है। 25 सालों का भारतीय जनता पार्टी का जो रिकॉर्ड रहा है उसको तेजस्वी यादव ने कड़ी फाइट दी है। अकेले तेजस्वी यादव ने गोपालगंज में भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा दिया है। अब परिणाम किसके पक्ष में आता है ये एक बड़ा सवाल है। परिणाम को लेकर कहीं ना कहीं एक तरफ जहां अनंत सिंह के समर्थक हैं वो खुश हैं, लेकिन वही बात करें तो गोपालगंज की वास्तविक परिस्थिति को लेकर तेजस्वी यादव अभी तक खुश होंगे, इसलिए कि तेजस्वी यादव गोपालगंज में प्रचार प्रसार कर रहे थे और वो उनका गृह क्षेत्र था, तो उस क्षेत्र में तेजस्वी को और तेजस्वी की जो साख है वो दांव पर लगी थी। तेजस्वी यादव गोपालगंज में अपने आप को मजबूत करने की कोशिश पहले भी कर चुके हैं, लेकिन साधु यादव की वजह से तेजस्वी यादव को अक्सर नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, और एक बार फिर से वैसी ही परिस्थिति बन रही है। और कहीं ना कहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का जादू गोपालगंज में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लड्डू का फोटो लीजिए बॉस, आज तक नहीं संभाले, लीजिए दूसरी से नहीं आज तक। लाल से छाप जिंदाबाद, नीलम देवी जिंदाबाद, चलिए अनंत सिंह जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, नगर कांग्रेस जिंदाबाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386